हेलो गाइस, यार वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक। सो भाई, कल जावी की गलती, जावी का फॉल्ट या फिर मास्टर क्लास एरिक टेन हाग की, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना 2-2 कैंप नू, स्पेन की बेस्ट टीम, 8 पॉइंट्स का गैप है लीग स्टार्ट वाइज, स्पेन की बेस्ट टीम कंफर्टेबली। क्या लगा आपको, मास्टर क्लास लगी एरिक टेन हाग की या फिर जावी की गलती लगी, जावी की सिलेक्शन में गलतियां लगी, क्या लगा भाई आप लोगों ने बताना है। मेरे हिसाब से दोनों चीज दिखी है भाई मेरे को, जावी की सिलेक्शन में जावी का फॉल्ट भी दिखा, जावी की गलतियां भी दिखी। मुझे कल के मैच में पर्सनली जावी स्लो लगा, मुझे पर्सनली जावी स्लो लगा भाई। इसके पीछे रीजंस हैं, बात करेंगे अच्छे से। गेम को रीड करने में, गेम को एनालाइज करने में, और जब उसने रीड किया तो उस एक्शंस लेने में मुझे स्लो लगा। बात करते हैं सबसे पहले भाई, बात एक ही है, समझ नहीं आया मेरे को पर्सनली। मेरे ख्याल से किसी भी बार्सा फैन को समझ नहीं आएगा, आपका जो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस पूरे यूरोप में, दी बेस्ट डिफेंस यूरोप में स्टार्ट वाइज जो बोला जा रहा था, आपने कैसे आपने चेंज क्यों किया? चेंज किया तो किया, आपने बोला जो स्टेटमेंट आई जावी की, भाई रोटेशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में आपको रोटेशंस करने थे। अगेंस्ट एरिक टेन हाग आपको रोटेशंस करने थे, अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको रोटेशंस करने थे। मेरे को ये बात समझ नहीं आया क्योंकि नेक्स्ट मैच आपका कार्डिस के साथ है, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, वहां रोटेशन करो ना, यहां पे क्यों? क्योंकि जब वो एक साथ जो बैक फोर आई थी, जो ओरिजिनली जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है, बहुत कंसीड कम कर रहे हैं, जब बाल्डे आया, जब क्रिश्चियनसन आया, जब अराउ सेंट्रली आया, बात करते हैं जब कुंडे गया राइट बैक पे, तो बहुत ज्यादा चांस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी बार्सा का डिफेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी बार्सा, काफी ज्यादा अलग टीम दिख रही थी। चलो ठीक है, जावी मुझे क्यों स्लो लगा, बात पहली बात मुझे जावी क्यों स्लो लगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, अराउ एज योर राइट बैक, जस्ट लाइक विनीशियस, सिंपल प्लान, जस्ट लाइक विनीशियस कंटेन करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस समय। 16 मैचेस आफ्टर वर्ल्ड कप एरिक टेन हाग, सॉरी अपना ये रैशफोर्ड खेल चुका है, 16 मैचेस में 13 गोल स्कोर किए भाई, इनफॉर्म प्लेयर है, आ लगा रहा है, हिला रहा है डिफेंस को, बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका यूनाइटेड में, तो भाई इसको कंटेन कौन करेगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बार्सा का नहीं पूरे वर्ल्ड में अराउ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये चीज समझ नहीं आई मुझे, अराउ वहां कर क्या रहे, अराउ राइट बैक पे कर क्या रहे, जब वहां पे राशफोर्ड खेल ही नहीं रहा, राशफोर्ड तो सेंट्रली ऑपरेट कर रहा, बहुत बड़ा झटका लगा जावी को इधर, मास्टर क्लास एरिक टेन हाग की। एक और बहुत बड़ा झटका लगा भाई, जावी कह रहा आपका नंबर 9 का है, वर्गोस्ट कहां खेल रहा है भाई, वर्गोस्ट को मार्क करो, वर्गोस्ट है का, वर्गोस्ट है ही नहीं, वर्गोस्ट कहां है, वर्गोस्ट एक्ट कर रहा है जो नंबर 8 विद फ्रेड, सेंट्रली ऑपरेट कर रहा है जो नंबर 9 इन बिहाइंड, जो रन मार रहा है, कौन खड़े है राशफोर्ड को रोकने के लिए, अलोंजो एंड कुंडे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड का अराउ खड़ा है राइट बैक पे, और इस चीज ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली। कैसे देखो, ऑफेंसिवली कैसे, ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली कल बार्सा ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मेरे को ये बात ही समझ नहीं आई भाई। आप मतलब रियलाइज करने के बाद भी कि भाई राशफोर्ड सेंट्रली ऑपरेट कर रहा है, उधर राव उधर कर क्या रहा है, वन ऑफ द मेन मैन, इंपॉर्टेंट मैन टू मार्क, टू कंटेन राशफोर्ड, वो आपका प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पूरे वर्ल्ड में, वो वहां पे कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कोई भी ऑफेंसिव वाइज कोई भी अराउ को मार्क नहीं कर रहा, तो सबको पता है भाई इज नॉट दैट गुड, भाई इज नॉट गुड इनफ, जब फाइनल थर्ड में भी जाएगा वो क्रॉसेस, वो कटबैक, वो पासेस इज नॉट दैट गुड भाई, मार्क ही नहीं कर रहा। डिफेंसिवली जब बात आई राशफोर्ड वन ऑफ द मेन मैन, इंपॉर्टेंट मैन यूनाइटेड का, इन बिहाइंड आग लगा रहा है, इन बिहाइंड रन से खोल रहा है, और उसके आगे कौन खड़ा है, अलोंजो खड़ा है, क्या करेगा अलोंजो राशफोर्ड के आगे, कर क्या लेगा भाई, नहीं कर, पेस में कुछ नहीं कर सकता, ना ही कुंडे कुछ कर सकता है, बिलीव मी कुंडे का वो जो टैकल था ना, बिलीव मी बहुत, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता, पर आप कंटेन नहीं कर पा, बार्सा का डिफेंस सेंटर बैक्स कंटेन नहीं कर पा रहे थे, आपका जो मेन मैन था वो राइट बैक पे खड़ा हुआ था, जो जिसको कंटेन करना था, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, इसलिए मुझे जावी कल बहुत ज्यादा स्लो लगा। एक चीज में और मुझे बिल्कुल जावी डेफिनेटली समझ नहीं आया फर्स्ट हाफ में, देखो एक और चीज, बॉक्स मिडफील्ड हर कोई जानता है, एक और जगह जहां मेरे को जावी स्लो, गेम को रीड करने में, एनालाइज करने में और एक्शन लेने में, एक और जगह जहां स्लो लगा, वो जो बॉक्स मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना भाई, ये सिस्टम ना बहुत ज्यादा डिमांड करता है, बहुत ज्यादा टेक्निकली आप बहुत फाड़ होने चाहिए, 2 कंट्रोलर्स होते हैं, 2 एक्सीलेटर्स होते हैं, सुनना भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 कंट्रोलर्स कौन, पेड्री एंड बुस्केट्स, जो गेम को कंट्रोल करते हैं, जो टेम्पो संभालते हैं, जो रिदम संभालते हैं गेम की, 2 एक्सीलेटर्स कौन होते हैं, गावी एंड फ्रेंकी डी योंग, वर्ल्ड क्लास, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, बॉल कैरी की जब बात आती है, कैरियर की जब बात आती है, जिस तरह ये बॉल को विद द बॉल जो इनकी रनिंग है, इस तरह बॉल को ये लोग कैरी करते हैं, 2 एक्सीलेटर्स, 2 कंट्रोलर्स,
मुझे ये चीज समझ नहीं आई भाई, विद कैसी एंड रोबोटो भाई ये बॉक्स मिडफील्ड कैरी क्यों हुई? क्या ये 4-2-2-2 वाले सिस्टम से बहुत जल्दी पहले ही स्विच करके 4-3-3 में नहीं जाना चाहिए था भाई? ये सिस्टम बहुत डिमांड करता है भाई, ये सिस्टम बासा बहुत ब्लेस्ड है, इनके पास वो चार प्लेयर्स हैं जो सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं थ्रू देयर मूवमेंट, वर्ल्ड क्लास लेवल टेक्निकल सुपरियोरिटी, वो आप कैसी और रोबोटो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। वो आप एक्सपेक्ट, वो जो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं वो चार प्लेयर्स, वो आप बाकी किसी और मिडफील्डर से जो बार्सा के पास अभी अवेलेबल है बेंच पे, आप वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से भाई। डेफिनेटली बहुत पहले ये चेंज हो जाना चाहिए था, 4-3-3 में स्विच कर जाना चाहिए था, क्योंकि भाई वो जो कंट्रोल, ये सिस्टम जो कंट्रोल देता है ना बार्सा, वो कंट्रोल तो दिख ही नहीं रहा था यार। कैंप नो में स्पेन की बेस्ट टीम, स्टार्स वाइज स्पेन की बेस्ट टीम भाई, वो जिस तरह यूनाइटेड खेल रही थी, जिस तरह कंट्रोल कर रखा था बॉक्स मिडफील्ड, सिर्फ बार्सा नहीं खेल रही थी, वहां एरिक टेन हाग है, सेम सिस्टम भाई, वो भी बॉक्स मिडफील्ड खेल रहे हैं, वो उनका भी नंबर 9 नंबर 8 बन के एक्ट कर रहा है। और जो मलासिया पूरा बॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैन टू मैन जिस तरह तोड़ा है, जिस तरह रखा है ना एरिक टेन हाग ने चढ़ाकर, फ्रेंकी डियोंग कल बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, कुंडे बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिख रहा है यार, सब बात करेंगे। बट अब बात करते हैं क्या भाई किसको ज्यादा एडवांटेज है, 2-2 ड्रॉ गए हैं कैंप नो में, यूनाइटेड बहुत फाड़ खेले यार, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई स्पेन की बेस्ट टीम के साथ हम ऐसा खेल के जा रहे हैं। अब नेक्स्ट मैच कहाँ है? अपने होम पे ओल्ड ट्रैफोर्ड पे। नेक्स्ट मैच में पेड्री नहीं है जो जान है, गावी नहीं है जो धड़कन है, जो एनर्जी है इस टीम की, डेफिनेटली भाई बहुत ज्यादा मोमेंटम इस समय उनके पास होगा। बट दिस इज फुटबॉल, दिस इज फुटबॉल भाई, जावी पेड्री गावी कोई हो ना हो भाई, दिस इज फुटबॉल। 90 मिनट में जो खेल गया वो खेल गया, जावी एट फॉल्ट फॉर मी, सिलेक्शन में स्लो काफी लगा। आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में बताना आपके क्या थॉट्स हैं रिलेटेड टू दिस भाई, बार्सा फैंस खासकर आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।